नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के सिंबल्स एंड नोटेशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जहां से सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। और जब तक आपको इसका बनाने का तरीका नहीं पता होगा, आप इसे सॉल्व करने में देरी लगाएंगे, शायद आपके आंसर्स भी करेक्ट ना आ पाए। तो आइए देखते हैं हम इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, इफ़ 324*289=35, 441*42484=43, देन हमसे पूछ रहा है 625*400=what। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? आपको दे के रखा है 324*289=35, तो आप ये सोचो कि 324 को और 289 में ऐसा क्या रिलेशनशिप बनाए जो कि हमारा 32 आंसर दे दे। अब इसको बनाने के लिए आपके थोड़े से माइंड लगाने पड़ते हैं, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी माइंड लगा सकते हो। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन ही आपके इसी तरीके के होते हैं, वो आपके माइंड को चेक करता है कि आप कितने जल्दी किसी भी क्वेश्चन के अप्रोच तक पहुंच सकते हो, बिकॉज टाइम तो आपको सेम ही लगाने हैं। बट अगर आप रीजनिंग के इन छोटे छोटे चैप्टर्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा कम टाइम लगाओ, तो आपको मैथ्स के क्वेश्चन जिसमें सॉल्यूशन होते हैं थोड़ा बहुत, उसे सॉल्व करने में भी ईजी हो जाएंगे। और अगर मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन आपको ट्रिकली वे में पता हो, तो आपको उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो आइए देखते हैं, करें 324*289=35। अब आप ये सोचो कि 324 और 289 को ऐसा क्या करें कि 35 बन जाए, और इसमें जो आप रिलेशनशिप लगाओगे, अगर सेकंड में भी हमारा वही रिलेशनशिप हो गया, तो आपको क्वेश्चन में भी उसी रिलेशनशिप को लगा देना है। हमारा कह रहा है 324*289 को ऐसा क्या करें कि 35 बन जाए। अब आप ये सोचो कि 324 जो है हमारा बहुत ही बड़ा नंबर है, 289 भी बहुत बड़ा नंबर है, बट 35 हमारा छोटा नंबर है, यानी कि कुछ ना कुछ तो हमारा डिवीज़न हो रहा होगा या स्क्वायर रूट हो रहा होगा। रीजनिंग के सारे चैप्टर आपके स्क्वायर रूट, डिवीज़न, प्लस माइनस इस सब में ही चलते हैं, तो वो तो आप पे निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी दिमाग लगा सको। तो यहाँ पे हमारा क्या दिमाग लगा रहा है, 324 लगता है किसी का स्क्वायर बन रहा है, 289 भी किसी का स्क्वायर बन रहा है, तो अब आपको ये देखने कि ये स्क्वायर किसके बन रहा है। तो 324 इसको अगर हम स्क्वायर रूट करें तो ये हमारा हो जाएगा 18, एंड 289 को किया तो 17। अब आप देखो तो 18 प्लस 17 हो जाता है 35, यानी कि हमें करने क्या पड़े तो स्क्वायर रूट का एडिशन। अब नेक्स्ट में आप इसी चीज़ को ट्राई कर लो, अगर नेक्स्ट में भी यही चीज़ हो गया तो आपका आंसर भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट को ट्राई किया, 441 है, अंडर रूट 441 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 484 कर लेने हैं, तो अंडर रूट 441 कितना हो गया 21, एंड 484 कितना हो गया 22, इन दोनों को ऐड किया तो 43, यानी कि ये रूल तो हमारा सही चल रहा है। नेक्स्ट में हम इसी रूल को लगा देंगे, क्वेश्चन जो कर रहा है आपका आंसर आ जाएगा। अब 625 का अंडर रूट करोगे एंड 400 का अंडर रूट करोगे, तो ये हमारा हो गया 25+20, यानी कि 45, तो हमारा आंसर हो जाएगा 45। अब आपके ये माइंड पे निर्भर करता है कि हम कैसा दिमाग लगा दें। आपके ये बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे में हमारे स्टार साइन होंगे, किसी में आपके हैच साइन हो सकते हैं क्वेश्चन में, किसी में परसेंटेज साइन दे देता है, किसी में मल्टीप्लीकेशन, किसी में एडिशन, किसी में डॉलर इस तरीके से दे देगा, बहुत सारे साइंस आपको दे सकते हैं। तो वो सारे चीज़ से आपको डरने नहीं है, सारे साइंस का हमारा एक ही तरीका से बनता है, मतलब एक ही तरीका से नहीं बनेगा, बट उसमें भी आपको सेम लॉजिक लगाने होते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि ये बन जाए इस तरीके के। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड और भी 2-3 क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया जाए कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, करे 3*4=10, 5*8=18, देन 7*7=what। तो हमने आपको क्या बोला कि आपका बीच में साइन कुछ भी हो सकता है। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले आप देखो कि 3 और 4 है, अगर बीच में हमारा मल्टीप्लिकेशन साइन रहता है इस तरीके से, एंड 10 दिया रहता, यहाँ पे आपके मल्टीप्लिकेशन साइन भी हो सकते थे, तो आप ये देखना है कि 3 × 4 हमारा 12 बनता है कि नहीं, नहीं बन रहा, यानी कि हमारा ये थोड़ा सा हमें माइंड लगा के इसे बनाने होंगे। अब 3 और 4 को ऐसा क्या करें कि 10 बन जाए, सवाल ये भी पैदा हो रहे हैं। दूसरे सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि यही रूल हमारे दूसरे में भी लगना चाहिए, तभी हमारे तीसरे क्वेश्चन में हमें ये रूल लगाने होंगे। अब 3, 4 को ऐसा क्या करेंगे कि 10 बन जाए, तो हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर हम 3 को 2 से, ये आपको एट अ टाइम माइंड लगाने होंगे, बिकॉज 10 जो है 3+4 करते हैं तो हमारा हो जाता है 3+4, अगर आप करते हो तो 7, हमारा कम कितना रहा है तो 3 कम रहा है। तो हमारे पास क्या सबसे पहले माइंड आएगा कि इन दोनों को जोड़ दो और अलग से 3 ऐड कर दो तो 10 हो जाएगा। बट नेक्स्ट में आप देखो, अगर हम करें 5+8 एंड अलग से 3 ऐड कर दे, तो ये हमारा 8 × 5=13, 3 × 16 ही हो रहा है, यानी कि ये रूल हमारा नहीं लग रहा है। अब दूसरा आपके रूल क्या लग रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो रूल तो हमारा फेल हो गया।
तो हमने किया 3 + 4 = 7 होता है, प्लस 3 ही किया, बट आपको 3 याद रखने हैं कि आप फर्स्ट फॉर्म को ले रहे हो, आपको याद रखना है फर्स्ट फॉर्म को ले रहे हैं हम 3 को, तो 3 + 4 + 3 हमारा कितना हो गया 10। नेक्स्ट हमने चेक किया तो 5 + 8 प्लस फर्स्ट फॉर्म को यहाँ भी लेंगे तो 5, तो 5, 8, 5, 13, 5, 18, यानी कि ये रूल तो हमारा काम कर गया। अब 7 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 + 7 एंड फिर से प्लस 7 हो जाएगा, यानी कि 21 हो गया आंसर, तो हमारा आंसर आ गया 21। अब इस क्वेश्चन में आपके एक लॉजिक और लग रहे थे, क्या लग रहे थे, तो फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से ऐड कर दो तो 10 आ जाएगा, उसी तरीके से 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 8 से कर दो ऐड तो हमारा 18 आ जाएगा, तो ये भी हमारा सेम 7 × 2 और यहाँ पे प्लस 7 किया तो ये भी हमारा 21 ही आएगा। तो आप दोनों में से कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, कोई भी आपका गलत नहीं है, आपके एग्जाम में एट ए टाइम जो भी माइंड आए आप उससे इसे सॉल्व कर सकते थे। ये होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। तो अगर आपको इसी तरीके आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, ज़रूर देखिए, और अगर अच्छा लगे तो बगल के बेल बगल में सब्सक्राइब बटन का एक आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक जरूर करिए और उसके बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें, आपको एट ए टाइम सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस चलती जाएगी। जब तक आप बेल बटन नहीं क्लिक करोगे आपके पास नोटिफिकेशंस कम पहुँचेगी, तो आप सबसे पहले बेल बटन पर क्लिक कर लो। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करा इफ 4 + 2 = 3, 8 + 4 = 3, देन 21 + 7 = what। इसमें भी आपको दिख रहा है कि हमारा कुछ 4 + 2 तो 6 होता है बट दिया 3, यानी ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है। अब लॉजिक क्या लग रहा है, तो हमारे पास सबसे पहला माइंड क्या आ जाता है कि हम 4 + 2 डिवाइडेड बाई हम क्या कर देते हैं 2, तो 6 / 2 हो रहा है 3। अब नेक्स्ट में हम इसी रूल को देखें तो 8 + 4 होता है 12 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 6 होता है, यानी ये रूल तो हमारा लग नहीं रहा, ये रूल तो हमारा फेल हो गया, तो अब हमें दूसरे रूल लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारे माइंड में यही रूल लगाएंगे बट ये रूल हमारा फेल हो रहा है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि रूल फेल हो रहा है बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं फर्स्ट ही क्वेश्चन में रूल लगा देते हैं और जो भी रूल उनके दिमाग में आता है वही रूल थर्ड में अप्लाई कर देते हैं, सेकेंड को देखते भी नहीं है, तो वैसे में उनकी गलतियाँ हो सकती है। तो अब 4 + 2 = 3 है, ये हमारा हो क्या सकता है, माइंड अभी भी बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है हमारा। सबसे पहले फिर से दौड़ा 4 + 2 / 2 किया, इस बार हमारा क्या दौड़ा कि 2 जो हम लिए हैं लास्ट टर्म को ले लिए तो ये हमारा कितना हो गया 3। नेक्स्ट में इसी तरीके से चेक किया तो 8 + 4 और फिर से हमने आपको क्या बोला लास्ट टर्म को लेना है, तो 8 × 4 = 12 / 3 हो गया, तो नेक्स्ट यही इसी तरीके से ले लिया 21 + 7/4 किया तो 28/4 कितना होता है, सॉरी 21 + 7/3 आपको 3 लेने पड़ेंगे बिकॉज हमने आपको क्या बोला लास्ट टर्म लेना है, तो डिवाइडेड बाई हमने किया 7, तो 28 / 7 हो गया 4, तो यही हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका इसका एक तरीका बनाने का। दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आप फर्स्ट ही वाले में 2 से डिवाइड कर दो और बाद में क्या करो कि 1 से ऐड कर दो, तो 4 / 2 हो गया 2 + 1 = 3। अब नेक्स्ट में किया तो 8 / 2 आपको याद रखना है, इन दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं तो 8 / 4 + 1 किया तो 2 + 1 = 3, तो नेक्स्ट भी इसी तरीके से चला जाएगा 21 / 7 + 1 यानी 3 + 1 = 4। आप किसी भी लॉजिक से बनाओ आपका आंसर सेम ही आने वाला है, बट यही कि आपको दोनों चीज़ों को ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि एक चीज़ को देखा और हमने आंसर कंप्लीट कर लिया, नहीं आपको दोनों चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है 5% 3 = 19, 8% 5 = 49, देन हमसे पूछ रहा है 6% 4 = what। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमारे माइंड में क्या लॉजिक आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा है कि 5 × 3 = 15, 5 × 3 कर दो और फिर 4 ऐड कर दो, 15 + 4 हो गया 19। नेक्स्ट में इसी चीज़ को देखा तो 8 × 5 हो गया कितना 40 हो गया, 40 + 4 करते तो ये हमारा कितना हो रहा है, तो ये आपका हो रहा है 44, यानी कि ये रूल तो हमारा फेल कर गया। सबसे पहले जो माइंड में आया वो रूल फेल कर गया, बट अगर आप इसी के अप्रोच से चलते जाओ तो आपका तो गलत ही होने वाला है। तो अब हम नेक्स्ट रूल देखेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे दिमाग में एक चीज़ और आ रहा है कि 5 × 15 तो कर रहा हूँ मैं, 5 × 15 तो मैं कर रही हूँ, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हमें 4 ऐड करने पड़ रहे हैं, तो 4 को तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 का होल स्क्वायर होता है, 2 का होल स्क्वायर इतना तो आपको पता चल गया 19 हो गया, तो ये 2 का स्क्वायर आया कहाँ से ये भी हमारे माइंड में, बिकॉज नेक्स्ट में भी अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो फिर से सेम हो गई, तो नहीं ये 2 आपका कहाँ से आ गया, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर हुआ है। नेक्स्ट आप इसी चीज़ को ट्राई कर सकते हो, तो 8 × 5 हमने किया प्लस 8 - 5 का होल स्क्वायर कर लेने, तो 40
40 प्लस 2 3 को होल स्क्वायर यानी कि 9 तो हमारा हो गया 49। तो नेक्स्ट इसी लॉजिक पे चला जाएगा तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 24 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4, तो ये हमारा आंसर आ गया 28। तो ये था आपका लॉजिक। आइए देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है 37 मल्टीप्लाई बाई 14 इक्वल टू 17, 69 मल्टीप्लाई बाई 33 इक्वल टू 34, 91 मल्टीप्लाई बाई 125 इक्वल टू 72, देन हमसे पूछ रहा है 28 मल्टीप्लाई बाई 56 इक्वल टू व्हाट। अब हमारा इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगेगा? कुछ तो हमारा लग नहीं रहा है। अगर हम इसमें माइनस कर देते तो 37 माइनस 14 कितना होता है? तो 23 होता है। इसमें फिर से हमें 6 से माइनस करने पड़े, तो ये तो हमारा कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा है। हमारे पास कोई दिमाग नहीं काम कर रहा, तो आपको दिमाग थोड़ा सा और इसके डेवलप करने पड़ेंगे। क्या दिमाग लगाने हमें? तो हम 37 प्लस 14 सबसे पहले करके देख लिए, तो 7 4 11, 3 1 4 5 हो गया 5, डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू हो रहा है 17। नेक्स्ट इसी चीज़ को देखा तो 69 प्लस 33 डिवाइडेड बाई 3 किया तो 9 3 12, 6 3 9 1 10 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा कितना हो गया? तो 34 हो गया। नेक्स्ट आप देखो तो 91 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 3 किया तो 5 1 6 9 2 11, 1 1 2 216/3, तो ये हमारा हो गया 72। तो नेक्स्ट में आपको तीन में हमारे, अगर तीनों में एक ही रूल फॉलो कर गए तो लास्ट में भी हमें यही रूल फॉलो कर देने हैं। तो 28 प्लस 56 डिवाइडेड बाई 3 किया तो ये हमारा हो गया 8 6 14, 5 2 7 1 8 डिवाइडेड बाई 3, तो हो गया 28। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमने आपको 5 क्वेश्चंस बताए, 5ों में अलग अलग लॉजिक लगा। तो अगर आप, हमने जो भी लॉजिक बताया अगर आपने उतनी ज़्यादा डेवलप्ड कर ली अपनी माइंड, एट ए टाइम आपके एग्ज़ाम में वर्क कराना पड़ेगा आपको। इस पर बहुत ज़्यादा रिवीजन करने पड़ेगा। आप कोई भी बुक निकालो और सिंबल एंड नोटेशंस के जो भी क्वेश्चन इस तरीके के आप सारे को बना डालो, ताकि आपको इस चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।